हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? आपकी सेकंड क्लास की EBS बुक का 12th चैप्टर। आज क्या पढ़ेंगे? 13th चैप्टर। 13th चैप्टर पे क्या है बेटा? चलो पढ़ते हैं। ओके, प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे, है ना? प्लांट्स मीन्स क्या होते हैं बेटा? पेड़ पौधे, है ना? पेड़ पौधे। फिर क्या है बेटा फर्स्ट पैराग्राफ पे? All plants are living things. क्या है बेटा? All plants are living things. सभी पौधे जीवित हैं, है ना? उनमें जान होती है। फिर क्या है बेटा? जीवित हैं। फिर क्या है बेटा? They make our earth green. क्या है? जो हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं। पेड़ क्या बनाते हैं बेटा? हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं, है ना? दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। ये विभिन्न प्रकार के आकार में हैं, विभिन्न साइज में हैं, है ना? बहुत से प्रकार के हैं, बहुत क्या है आकार में हैं, है ना? फिर क्या है बेटा? अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स लाइक सीड्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्या है बेटा? जो पेड़ है हमें क्या, एक पौधे के कई भाग होते हैं। क्या है बेटा? एक पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे बीज, जड़, पत्ते, कलियां, फूल और फल। आपने पेड़ में देखा है बहुत सारे भाग होते हैं ना, बीज होते हैं, बीज डालकर हम क्या करते हैं, पेड़ उगाते हैं, है ना? और क्या होती है पेड़ में? जड़ होती हैं। और क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। पेड़ में पत्ते होते हैं ना, आपने देखा है ना, कलियां होती हैं, है ना? फूल भी होते हैं पेड़ पे। और क्या होते हैं बेटा? फल होते हैं। फल मीन्स जैसे आप बहुत से फल खाते हो ना, आम खाते हो और अमरूद खाते हो, सेब खाते हो, है ना, केला खाते हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है बेटा? पेड़ में होती हैं, है ना? फिर क्या है बेटा? सीड्स, द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, इच फ्लावर एंड फ्रूट्स हैज अ सीड बॉक्स इनसाइड इट। क्या है बेटा? बीज, पौधे बीज से उगते हैं। किससे उगते हैं बेटा पेड़? बीज से। प्रत्येक फूल और फल के अंदर एक बीज बॉक्स होता है। क्या है बेटा? प्रत्येक मतलब बहुत से फूल के और फल के अंदर बीज होते हैं। जैसे बेटा आप बेर खाते होगे तो बेर के अंदर बीज मिलता है, आपको गुठली बोलते होगे, है ना? तो वो क्या है? बीज होता है, है ना? इसे हम जमीन पर लगा देते हैं तो क्या होता है? पेड़ उगता है ना? ऐसे ही बहुत से फूल के अंदर भी क्या होते हैं? बीज होते हैं, है ना? फिर क्या है बेटा? रूट्स, द रूट्स ग्रो इनसाइड द सॉइल, दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइड देम टू द स्टेम। क्या है बेटा? जड़ें, है ना? मिट्टी के अंदर जड़ें बढ़ती हैं, वे मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं और उन्हें स्टेम को प्रदान करते हैं। क्या है बेटा? मिट्टी के अंदर क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। पेड़ के की क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। ऐसी ही जड़ें, है ना, किसके अंदर होती हैं? मिट्टी के अंदर, है ना? इनमें हम क्या करते हैं बेटा? पानी डालते हैं और खाद्य सामग्री डालते हैं, ना, खाद्य डालते हैं, तो क्या होता है, ये पेड़ों को अवशोषित करते हैं और उसे बहुत सारी चीज़ें देती है जिससे पेड़ बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है, है ना? फिर क्या है बेटा? स्टेम, क्या है? स्टेम, स्टेम मीन्स क्या होता है? तना, है ना? द स्टेम इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट इट हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट, दे रोटेशन बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स। क्या है बेटा? तना पौधे का मजबूत हिस्सा होता है, है ना? क्या है बेटा? जो तना है, ये देखिए ऐसे पेड़ पे तना रहते हैं, है ना? तो ये क्या है बेटा? पेड़ का बहुत ही मजबूत हिस्सा है, है ना? यह पौधों को सहारा देने में मदद करता है। क्या करता है बेटा? पौधों को सहारा देने में मदद करता है। वे जड़ों और पत्तियों के बीच परिवहन भी प्रदान करते हैं, है ना? फिर क्या है बेटा? लीव्स, क्या है बेटा? लीव्स, लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर, दे मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट। क्या है बेटा? पत्तियाँ, है ना? पेड़ में पत्तियाँ होते हैं ना, पत्ते होते हैं, तो क्या है बेटा? पत्तियाँ ज़्यादातर हरे रंग की होती हैं। आपने देखा है आपके यहाँ भी बहुत सारे पेड़ लगे हैं, वहाँ पर पेड़ में क्या होती है बेटा? पत्ते होते हैं। पत्ते किस कलर के होते हैं? हरे कलर के, है ना? बहुत सारी पेड़ों में पत्तियाँ रहती हैं, वो किस कलर की होती हैं? हरे कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, ना? वे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। जो पत्तियाँ होती हैं बेटा, वो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती हैं, है ना? और क्या करती हैं? भोजन, पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, है ना? फिर क्या है बेटा?
बड्स, क्या है बेटा? बड्स मीन्स कलियां, है ना। एक कल डेवलप, सॉरी, बड्स आ बड इज एन अनडेवलप्ड फ्लावर, है ना। क्या है? एक कली एक अविकसित फूल है ना। मीन्स पूरा फूला हुआ फूल नहीं है। आपने देखा है आपके यहाँ गुलाब के फूल है, वो छोटे छोटे से इस प्रकार की कली रहती हैं, है ना। ऐसी कली रहती हैं, फिर उसके बाद वो फूल जाती हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं बेटा? कली कहते हैं, है ना। फ्रॉम देम अ फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट्स। फ्लावर आर ऑल्सो कॉल्ड द ब्लॉसम ऑफ अ प्लांट। दे मेक सीड्स सो दैट मोर प्लांट्स ऑफ द सम टाइप कैन ग्रो फ्रॉम देम। दे अट्रैक्ट बीज टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम देम। एक हिस्सा है, क्या है बेटा? जो फूल है वो पेड़ों का एक हिस्सा है। फूल को पौधे का फूल भी कहा जाता है, क्या है बेटा? फूल को क्या कहा जाता है? पौधे का फूल भी कहा जाता है ना। वे बीज बनाते हैं। फूल क्या कहते हैं बेटा? बीज बनाते हैं, ताकि उसे प्रकार पौधे उनसे विकसित हो सके, क्या है बेटा? और भी पौधे उसी प्रकार उनसे विकसित हो सके, है ना। उनके द्वारा क्या होता है? जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूल क्या करते हैं? उनको आकर्षित करती हैं। किसके लिए? शहद के लिए, है ना। क्या है बेटा? उनके द्वारा फ्रूट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। दे हैव सीड्स इनसाइड देम। क्या है बेटा? फल, क्या है? फल, एक फल फूल वाले पौधे का एक हिस्सा है। उनके अंदर बीज होते हैं, है ना। एक फल क्या है बेटा? फूल वाले पौधे का एक हिस्सा है। उनके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। जैसे आप सेब खाते होगे बेटा, तो आप सेब के बीच में देखते हो छोटे छोटे से दाने होते हैं, वो क्या होते हैं? बीज होते हैं, है ना। और क्या खाते हो? बेर खाते होगे तो उसमें भी आपको गुठली मिलती होंगी, है ना। मिलती है ना, गुठलियाँ मिलती हैं, वो भी क्या है? बीज है, है ना। और क्या खाते हो? आम खाते हो तो आम के अंदर भी क्या रहते हैं? बीज रहते हैं, है ना, गुठलियाँ रहती हैं, तो वो क्या है बेटा? बीज होते हैं, है ना। इनको हम जमीन पर मिट्टी पर लगा देते हैं, फिर एक न्यू पेड़, एक नया पेड़ उगाता है ना, तैयार हो जाता है। फिर क्या है बेटा? फैबुलस फैक्ट। ओनली प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर देयर वन फूड। क्या है बेटा? ओनली प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर देयर वन फूड। क्या है बेटा? जीवित चीजें, वे चीजें जो जीवित हैं, है ना, भोजन का निर्माण कर सकते हैं। क्या है बेटा? जो पेड़ हैं सिर्फ वही हैं जो भोजन का निर्माण कर सकते हैं, है ना। केवल पौधे ही अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। फिर क्या है बेटा? कीवर्ड्स, लिविंग थिंग्स। क्या है बेटा? जीवित चीजें। दोज थिंग दैट आर अलाइव। क्या है बेटा? दोज थिंग दैट आर अलाइव, वे चीजें जो जीवित हैं, है ना। फिर क्या है बेटा? टू कैरी और कॉन्वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या पहुंचाना, है ना। क्या है बेटा? परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या पहुंचाना, है ना। फिर क्या है? अनडेवलप्ड, नॉट फुल ग्रोन। क्या है बेटा? नॉट फुली ग्रोन, अविकसित, है ना, पूरी तरह से नहीं होगा, जो पूरी तरह से विकसित ना हुआ हो, बढ़ा ना हो, उगा ना हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? अनडेवलप्ड। क्या है? अंडर दैट प्लांट्स मेक और अर्थ ग्रीन। क्या है बेटा? जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं, है ना। द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। क्या है बेटा? जो प्लांट्स हैं वो क्या कहते हैं? पौधे बीज से उगते हैं। क्या है बेटा? पौधे बीज से उगते हैं, है ना। रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्या है बेटा? जड़ें, मिट्टी के अंदर जड़ें बढ़ती हैं, वे मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं और उन्हें स्टेम को प्रदान करते हैं, है ना। स्टेम इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ प्लांट। क्या है बेटा? जो जड़ है, क्या है? पौधे का मजबूत हिस्सा है, है ना। फ्लावर्स आर आल्सो नो एज द ब्लॉसम। क्या है बेटा? जो फूल हैं, एक फूल पौधे का एक हिस्सा है। फूलों को पौधे का फूल भी कहा जाता है। वे बीज बनाते हैं, ताकि उसी प्रकार पौधे उनसे विकसित हो सकें, है ना। और क्या है बेटा? वो क्या करते हैं?
फूल जो हैं वो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं अमृत क्या करने के लिए, शहद इकट्ठा करने के लिए, है ना, एकत्रित करने के लिए। क्या है बेटा, टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ पे क्या करना है बेटा, ये आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते नहीं बनता है, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे सॉल्व करते नहीं बनता तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना, हम आपको सॉल्व कराएंगे। फिर क्या करना है बेटा, आपको ये चैप्टर एक से दो बार रीड करना है और पेड़ों के बारे में आपको आपके मम्मी पापा से बात करना है। ओके बेटा, कौन सी जीवित चीज़ें और कौन से निर्जीव हैं, है ना, कौन सी चीज़ें जीवित हैं और कौन से निर्जीव हैं, है ना, आपको आपके मम्मी पापा से बात करना है। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।